आईपीएल 2024 की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन वर्तमान में आईपीएल से ज़्यादा चर्चा हार्दिक पांड्या और रोहित शर्मा के बीच जो कुछ भी चल रहा है उनकी हो रही है। 15 दिसंबर 2023 का दिन था जब मुंबई इंडियंस ने रोहित शर्मा को कप्तानी से हटाकर उनकी जगह हार्दिक पांड्या को टीम का कप्तान बनाया। तब से लेकर आज तक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फैंस जो मुंबई इंडियंस के भी हैं, रोहित शर्मा के भी हैं, हार्दिक पांड्या को ट्रोल कर रहे हैं। लगातार उनके खिलाफ बातें हो रही है। और जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुंबई इंडियन के कोच मार्क बाउचर और कप्तान हार्दिक पांड्या से रोहित के संबंध में सवाल पूछे गए तो वो कुछ भी जवाब नहीं दे पाए। हालांकि अभी तक मुंबई इंडियन फ्रेंचाइजी ने भी यह कन्फर्म नहीं किया है या नहीं बताया है कि रोहित शर्मा को कप्तानी से क्यों हटाया गया। इसका जवाब ना तो कप्तान के पास है, ना कोच के पास है, ना ही फ्रेंचाइजी के पास। मुंबई इंडियंस और गुजरात के बीच आईपीएल का पहला मुकाबला खेला गया। उस दौरान मैच में कुछ ऐसी घटनाएं घटित हुई जिनके चलते इन दोनों के बीच में जो भी चल रहा है वो और लोगों के भावनाओं के साथ बाहर आया। पहली घटना तब हुई जब जसप्रीत बुमराह से पहले हार्दिक पांड्या ओवर करने आए, बॉलिंग फेंकने आए। किसी भी हालत में, किसी भी सिचुएशन में बुमराह से पहले हार्दिक पांड्या को ओवर तो नहीं बनता है, यह जग जाहिर है। सब जानते हैं कि जसप्रीत बुमराह वर्ल्ड के नंबर गेंदबाज है, हार्दिक पांड्या के पास कुछ है तो कप्तानी, और उसी के चलते हो सकता है उन्होंने जसप्रीत बुमराह से पहले गेंदबाजी करना उचित समझा। दूसरी जो घटनाएं हुई जिसके चलते लोगों की भावनाएं बाहर आ गई वो थी रोहित शर्मा को बाउंड्री पर भेजना। जब रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या गेंदबाजी कर रहे थे और उन्होंने हार्दिक पांड्या ने रोहित शर्मा को से कहा कि आप बाउंड्री लाइन पर जाइए, तो रोहित शर्मा पहले थोड़े कंफ्यूज हो गए और उन्होंने कहा मैं, तो फिर हार्दिक पांड्या ने कहा हाँ, पीछे जाने के लिए इशारा किया। इससे उनके और मुंबई इंडियंस के फैंस उन पर भड़क गए कि यार कम से कम 5 बार आईपीएल का खिताब जिताने वाले कप्तान की रेस्पेक्ट तो बनती है। लेकिन ऐसा क्यों हुआ वो तो खुद हार्दिक पांड्या जाने, लेकिन यह है कि एक कप्तान की उनको रेस्पेक्ट करनी चाहिए, उनको सम्मान मिलना चाहिए था। कुछ लोगों ने तो हार्दिक पांड्या को यहाँ तक बोल दिया कि वो अपनी कप्तानी का रोब जमा रहे। एक और घटना हुई जब मैदान में मैच चल रहा था और एक कुत्ता अंदर घुस आया, तो वहाँ पर जितने भी फैंस बैठे थे वो उसे देखकर हार्दिक हार्दिक के नारे लगाने लगे। एक और घटना तब हुई जब हार्दिक पांड्या ड्रेसिंग रूम में जा रहे थे तो वहाँ पर जो दर्शक बैठे थे वो हार्दिक पांड्या को देखकर छपरी छपरी के नारे लगाने लगे। दोस्तों ये चल क्या रहा है? बीच आईपीएल में हार्दिक पांड्या और रोहित शर्मा के बीच जो कंट्रोवर्सी अभी देखी जा रही है, यह आगे क्या रूप लेगी, इसका क्या निष्कर्ष निकलेगा वो तो पता नहीं, और इसकी वजह क्या है यह भी पता नहीं। दोस्तों इस घटना को आप किस नज़र से देखते हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।